वहीं देखिए एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। वायनाड में प्रियंका गांधी का चुनाव प्रचार, रैलियों से पहले प्रियंका ने रोड शो किया। आज वायनाड में 3 जनसभाएं करेंगी प्रियंका गांधी। तो बता दें आपको, पिछले हफ्ते वायनाड से ही नामांकन भरा था और उससे पहले भी एक जनसभा को संबोधित करती नजर आई थी। यानी आज से प्रियंका पूरी तरह से वायनाड के लिए चुनाव प्रचार में उतनी नजर आएंगी और आज ही पहले दिन उनकी 3 जनसभाएं प्रस्तावित हैं। और आप देख रहे हैं वायनाड से ये तस्वीरें, जनता के बीच, वायनाड की जनता के बीच प्रियंका गांधी को। रमन जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रमन, यानी अब आज से वायनाड की कमान संभालती नजर आएंगी प्रियंका गांधी। बिल्कुल, नॉमिनेशन फाइल करने के दौरान जब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वायनाड गए थे, उसके बाद उन्होंने जनता से वायदा किया था कि जल्द ही फिर से वो वायनाड का रुख करेंगी और अपने भाई की सीट पर अधिकार जताने के लिए वो फिर से धुआंधार कैंपेन कर रही हैं। आज से वायनाड 2 दिन का उनका दौरा है और लगातार वो जनता से संपर्क कर रही हैं और प्रियंका गांधी लगातार कोशिश कर रही हैं जनता से कनेक्ट बनाने की, क्योंकि 2019 में राहुल गांधी यहां से चुनाव जीते थे, 2024 में भी राहुल गांधी यहां से चुनाव जीते, लेकिन रायबरेली से भी चुनाव जीते राहुल गांधी और रायबरेली सीट रखने का फैसला किया। और उसी वक्त जो है, जब सीट छोड़ने की बात आई तो उन्होंने कहा कि मैं अपने परिवार के एक व्यक्ति को ये सीट देना चाहता हूँ और उन्होंने प्रियंका गांधी के नाम का ऐलान किया और प्रियंका गांधी राहुल की छोड़ी हुई सीट पर चुनाव लड़ रही हैं और अधिकार जता रही हैं। साफ तौर पर ये कहना पड़ेगा कि लगातार जो है सोशल मीडिया के जरिए एक्स पर उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि वायनाड की जनता जो है उनका उनके परिवार की तरह है और वो उनके साथ संवाद स्थापित करना चाहती हैं, लगातार उनके दुख दर्द को अपना समझना चाहती हैं। और जिस तरीके से प्रियंका गांधी का कैंपेन चल रहा है, अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही है, उससे बिल्कुल साफ है कि प्रियंका गांधी वायनाड में एक बार फिर से बड़ी जीत की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रही हैं। बिल्कुल, बड़ी जीत की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रही हैं। जनता के बीच जिस तरह से प्रियंका नजर आ रही है, राहुल की तर्ज पर ही वायनाड को जीतने की ये कोशिश है। लेकिन ये भी बात कांग्रेस अच्छे से समझ गई है रमन, की ये जीत उतनी भी आसान नहीं, क्योंकि बीजेपी और लेफ्ट पार्टी जिस तरह से लामबंदी की गई है, अपनी तरफ से स्ट्रॉन्गेस्ट कैंडिडेट्स वहां पर, कैडर, मजबूत कैडर के कैंडिडेट्स को उतारा गया है, तो ये लड़ाई उतनी भी आसान होती नजर नहीं आएगी। बिल्कुल, बीजेपी और लेफ्ट की तरफ से अपने मजबूत उम्मीदवार को प्रियंका गांधी के खिलाफ उन्होंने उतारने का फैसला किया, लेकिन प्रियंका गांधी और गांधी परिवार से वायनाड का जो संबंध है पिछले 5 साल में काफ़ी डेवलप हुआ है। जब भी संकट की घड़ी आई वायनाड में, राहुल गांधी अपने परिवार के साथ वहां पहुंचे, राहुल गांधी खुद पहुंचे और उन्होंने हर संभव मदद की, संसद में वायनाड की आवाज़ को बुलंद किया और उसके बाद से उन्होंने जनता से वायदा किया है कि उनके परिवार का कोई व्यक्ति ही यहां का प्रतिनिधित्व करेगा। इसीलिए वायनाड की जनता से जो रिस्पॉन्स प्रियंका गांधी को मिल रहा है वो देखने में आपको लग रहा होगा कि काफ़ी ज़्यादा अपने आप को कनेक्ट फील कर रही हैं प्रियंका गांधी वहाँ की जनता से, वहाँ के लोगों से, वहाँ के युवा से, वहाँ की महिलाओं से। और प्रियंका गांधी को उम्मीद है कि इस बार जनता जो है उनके समर्थन में वोट करेंगी और भारी भरकम मतों से उनको विजय बनाएंगी। चलिए, तो नजर रहेगी वायनाड सीट पर प्रियंका को, क्या वायनाड से भी उतना ही प्यार मिलता है जितना अब तक राहुल गांधी को मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रमन, इस तमाम जानकारी के लिए। इसी के साथ ही छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन खबरें लगातार जारी है, देखते रहेगा न्यूज 24।